मैंने मुख्यमंत्री से कहा कि मुख्यमंत्री से मैं सदन में पूछूंगा कि मैं शूद्र हूं कि नहीं हूं, आप पढ़ दो चौपाई। हालांकि बीबीसी की क्रेडिबिलिटी बहुत है, लेकिन सवाल यह कि चुनाव से पहले ऐसी डॉक्यूमेंट्री आना सवाल खड़ा करती है। हमें कोई शिकायत नहीं है बीबीसी की क्रेडिबिलिटी पर, यह डॉक्यूमेंट्री पहले भी तो आ सकती थी, एक साल पहले, दो साल पहले, लेकिन 24 का चुनाव आने से पहले ये डॉक्यूमेंट्री क्यों आई है? और फिर डॉक्यूमेंट्री में जो सच्चाई है, क्या भारत सरकार को शर्म नहीं आ रही इन बातों को देखकर कि दुनिया में कितनी बदनामी हो रही है, किस तरह लोगों की जान गई है, किस तरीके से सरकारी मशीनरी लगी थी हत्या कराने में? तो ये डॉक्यूमेंट्री में सब बातें, और फिर आज के जमाने में तुम बैन कर रहे यूट्यूब, हर एक के मोबाइल में वो डॉक्यूमेंट्री है। अरे बीजेपी वालों, इतना तो समझ रखो कि आज के जमाने में कोई चीज कुछ रोक नहीं सकता, सबके मोबाइल में और जेब में रखी हुई डॉक्यूमेंट्री, और ये बताओ बैन कर रहे हैं यूट्यूब पर, कितने ना समझ लोग हैं ये। स्वामी प्रसाद मौर्य को आपने महासचिव बनाया है, राष्ट्रीय महासचिव, जबकि वो एक धार्मिक ग्रंथ के खिलाफ अनर्गल बयानबाजी कर रही है। देखिए मैं आपसे कह रहा हूँ, धार्मिक ग्रंथ के खिलाफ कोई नहीं है, ना मैं खिलाफ, भगवान श्री राम के खिलाफ कोई नहीं है, रामचरितमानस के खिलाफ कोई नहीं, हमसे बोलो रामचरितमानस के खिलाफ नहीं है, लेकिन मेरे पत्रकार साथी, मैंने अपना स्टेटमेंट दिया, कहा है कि मुख्यमंत्री अगर योगी ना होते, धार्मिक स्थान से वहां आए होते, तो शायद वो सवाल मैं ना पूछता उनसे, लेकिन क्योंकि वो योगी भी हैं और धार्मिक स्थान से उठ करके सदन में आए हैं, वो बात मैं आपसे नहीं पूछूंगा। मैं ये कहूंगा कि वो चौपाई एक बार हमें पढ़ के सुना दो, क्या आप पढ़ के सुना सकते हो मुझे बताओ, और फिर मैं मुख्यमंत्री जी से पूछने जा रहा हूं कि मैं शूद्र हूं कि नहीं हूं। कल मैं मंदिर में दर्शन करने जा रहा था, क्या बीजेपी और आरएसएस के लोगों ने वहां गुंडागर्दी नहीं की? अरे हमें पता होता कि 4-5-6-10 गुंडे आए होंगे तो हम भी अपनी तैयारी से जाते कार्यकर्ताओं के साथ, बताओ 5-6 गुंडे भेज दिए, और ये जब काला झंडा समाजवादी लोग दिखाते हैं तो 1-1 साल जेल भेजते हैं उन लोगों को, कार्यकर्ताओं को 1-1 साल जेल गए हैं समाजवादी कार्यकर्ता, 2-2 साल रहे हैं केवल सिद्धांत पे विरोध करने के लिए। इसलिए पत्रकार साथी, अगर चौपाई आपको याद हो तो भगवान श्री राम की कसम खाओ और वो चौपाई पढ़ दो, अगर अच्छी है तो अच्छी है, खराब है तो खराब है। अध्यक्ष जी, कोई खिलाफत नहीं कर रहा ग्रंथ की, ना भगवान के खिलाफ है, ना रामचंद्रदास के खिलाफ है, लेकिन ये बीजेपी वाले ये बताएं उनके नेता क्या क्या कहते हैं। आप चौपाई पढ़िए ना, आप पढ़ दो, मैं नहीं नहीं अगर याद है तो पढ़ दो आप। और उसके बाद मैंने मुख्यमंत्री से कहा कि मुख्यमंत्री से मैं सदन में पूछूंगा कि मैं शूद्र हूं कि नहीं हूं, आप पढ़ दो चौपाई।